हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो वीडियो है, आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो डियर, यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी टैरो से भी देखूंगी और ये रून से भी देखूंगी। तो पहले रून से देखती हूँ, ठीक है, कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ट्रू फीलिंग्स क्या है, डिवाइन गाइड कीजिएगा, एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा, ऑल आर्कएंजल्स गाइड कीजिएगा, दिव्य शक्ति गाइड कीजिएगा। इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्यों कंफ्यूज्ड हैं, एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा, ऑल आर्कएंजल्स गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स, मुझे लग रहा कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं, ठीक है। इस वक्त वो सोच रहे हैं कि आपके लिए टाइम निकालना चाहिए, चाहे वो काम कर रहे हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है। ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि आपके लिए उन्हें टाइम निकालने की जरूरत है, ठीक है। ये स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहते हैं, जहां ये थोड़ा सा स्टक भी दिख रहे हैं, कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, या फिर कभी कभी बहुत आप खुश हो जा रहे हो, या फिर कहीं कहीं आप बहुत अपसेट हो जा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए डियर, इस वक्त आप जो टूटा हुआ फील करो, ये गलत है। इस वक्त ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है इस वक्त आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो इस वक्त आप बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं। अगर ये काम पर बहुत फोकस हैं, अगर करियर में इनका अच्छा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये साइन टॉरस हो, ठीक है, एरिस हो, पाइसेस हो, एक्वेरियस हो, कैप्रिकॉर्न हो, ये साइन मुझे यहाँ पे फील हो रही है डियर, ठीक है। तो ये पर्सन इमोशनली आपको लेकर बहुत ज्यादा अपसेट है और अपने गलतियों को ढूंढ रहे हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ दूरियां नहीं बनाई होती, डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया होता, तो आज इनके लाइफ में इतना दर्द और इतना पेन नहीं होता। ये अपने गलतियों को ढूंढ रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स, आप लोग अभी भी अवेकनिंग से गुजर रहे हो, तो इस वक्त आपकी ग्रोथ की है, आपके ज्ञान की है, आपके लाइफ में कैसे आगे बढ़ना, इस वक्त आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है और अपने आप पे यहाँ काबू रखें, ठीक है। यहाँ पे अपने एनर्जी पर, अपने विश्वास पर, अपने क्रोध पर, हर चीज पर आपको इस वक्त काबू रखने की जरूरत है। आप स्ट्रांग हो रहे हो, शायद आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा, आप स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है, आप स्ट्रांग हो रहे हो। ऐसा ये पर्सन आपके बारे में काफी सोच रहा, ऐसा नहीं है, और फीलिंग्स भी काफी है आपको लेकर, लेकिन एक जुनून सा आपके लिए है कि आपको पाना है, ठीक है। लेकिन ये एकदम अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, और ये पर्सन जो है बहुत सोच समझकर डिसीजन लेते हैं डियर, ठीक है। प्यार लव बहुत फील कर रहे हैं, बहुत इस वक्त महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी शक्ति हो, ये इन्हें महसूस हो रहा है। लेकिन इनके लाइफ में मुश्किलें बढ़ रही है डियर, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ रही है, लेकिन खुद को ये हील कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लाभ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि आपके लिए कैसे टाइम निकाला जाए, ठीक है। देखिए डियर, मुझे लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर कुछ फ्रेंड के थ्रू आप एक दूसरे से मिले हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक फ्रेंड के थ्रू मिले, या आप अपने फ्रेंड के थ्रू मिले हो, या फिर ये आपके फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, ठीक है, या फिर दोनों एक जगह काम करते हो, या फिर ट्रैवल में मिले हो, या सोशल मीडिया पे मिले हो। यहाँ मैरिज पार्टी मुझे कम दिख रही है डियर, ठीक है। लेकिन ये पर्सन एक तरफ मन इनका कह रहा है कि करूं तो क्या करूं, एक्शन लू, एक मन कर रहा है कि नहीं, मुझे टाइम देना होगा, समझना होगा, जानना होगा, ठीक है। और ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अपने इमोशंस पर काबू रखिए, ठीक है। आप जो ओवरथिंकिंग करते हो, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करने के बाद इमोशनली आप बहुत लो फील करते हो, इस पर आपको काबू रखने की जरूरत है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। ये लियो भी हो सकते हैं, साइन लियो भी हो सकते हैं। देखिए, अगर ये रिश्ता खत्म हुआ है उनके नजरों में, तो
ये अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता खत्म हो गया तो उनकी नजरों में ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं समझ रहे हो, शायद उन्हें गलत साबित करो या फिर उनको चीटर या धोखेबाज कह रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है ना डियर, देखिए मैंने ऐसा लग रहा है ना डियर, मुझे हंसी आ रही है यहाँ पे क्या कि आपके पर्सन देखिएगा मतलब फील तो बहुत कर रहे हैं लेकिन झुकना नहीं चाह रहे हैं, वो क्यों पता है आपको, ये चाह रहे हैं ना कि आपकी आवाज को सुनूं और फोन को कट कर दूं, आपको पता भी ना चले कि आपसे ये कितना प्यार करते हैं, ना ही आपका गुस्सा जो है इन पर हावी हो सके, अगर आपसे ये बात करेंगे तो फाइट की एनर्जी है, फाइटिंग हो सकती है, ठीक है। मुझे हंसी आ रही है यहाँ पे कि आप फाइटिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन डरते हैं, आपकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर इस पर्सन में थोड़ा सा बात कीजिएगा ना ये आप ही को उल्टा झाड़ देंगे, इसीलिए कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपकी आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। और अलग अगर इनके पास व्हाट्सएप नंबर एक या दो है, दूसरे नंबर से आपको ये स्पाइक कर रहे हैं, ठीक है, अदर नंबर से आपको कॉल मैसेज करके आपकी आवाज को सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जाने थोड़ा सा इनमें जितनी हीलिंग चल रही है यहाँ पे, मुझे लग रहा है डियर कि इस पर्सन के अंदर ना वो प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, लेकिन छुपा रहे और डर भी रहे। डर क्यों रहे कि अगर आपकी तरफ बात होगी तो शायद ये भी गुस्सा पर अपने काबू नहीं रख पाएंगे और आपकी बात ना सुनकर आपसे फाइटिंग हो सकती है, तो ये पर्सन अभी खुद को रोक रहे हैं, लेकिन बेताबी और बेचैनी बढ़ रही है। और हंसी इस बात की आती है कि इस पर्सन के अंदर प्यार तो इतना है बट आपको जताना नहीं चाह रहे इस वक्त, ठीक है, प्यार है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, लेकिन आपको देखना चाहते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, इनका मूड है कभी देखने का, कभी कंट्रोल करने का, कभी बात करने का, लेकिन डर इस बात का है कि अगर आपकी तरफ बात करते हैं तो आपको सुना दोगे, जहां ये हट हो जाएंगे और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये आपको ब्लेम कर सकते हैं गुस्से में आकर, ठीक है, तो फाइटिंग की भी एनर्जी, इसलिए आपके पर्सन जाने की बात होगी तो फाइटिंग होगी, ठीक है, आप कुछ ना कुछ बोलोगे, गुस्सा दिखाओगे, उनको टॉर्चर करोगे, ट्रिगर करोगे, इससे अच्छा है कि मैं खुद को कंट्रोल कर लेता हूँ, इस तरह की मूड है आपके पर्सन की, लेकिन यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट हो रही है पर्सन यार, बहुत ही पैशनेट, इमोशनली आपको बहुत बहुत मिस कर, बहुत डीप थिंकिंग आपके लिए है, बहुत प्यार बढ़ रहा है और ये हिम्मत जुटा रहे हैं आपके तरफ एकदम से अचानक कॉल मैसेज करने के लिए, एकदम से अचानक से बात करने के लिए, एकदम से आपको प्यार का इजहार करने के लिए, एकदम से इस तरह की एनर्जी इनके है, लेकिन डर है क्या कि आपको सुना दोगे तो ये हट हो जाएंगे, फिर ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, ना काम कर पाएंगे, ना चैन से रह पाएंगे, और ये खुद को कैसे ढालना है सिचुएशन में, कैसे एक्शन लेना, इसके बारे में इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन फेक आईडी, फेक नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से, अगर इनके पास व्हाट्सएप नंबर एक या दो है डियर, उसे आपको देख रहे हैं ऑनलाइन, आप क्या लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, आप कैसे हो, क्या हो, इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की, लेकिन इनका मूड स्विंग हो रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं, बेहद प्यार इनका बढ़ रहा है, कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं होगा डियर, और ये सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ एक्शन ले, कहीं आप कुछ बात सुना दिए तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनकी पीस और शांति खत्म हो जाएगी और इनसे काम भी नहीं हो पाएगा डियर। चलिए एंजल्स इसमें से लेती हूँ, ओहो आप उनके विश हो, नाइन ऑफ कप्स, कुछ भी हो, भले ही इनके पास सब खुशियां हैं लेकिन आपके बिना इनको एक अकेलापन, एक अधूरापन है, और आप उनकी विश हो, देखिए प्यार तो अनकंडीशनल है, प्यार तो आपको प्योर करते हैं, डीप फीलिंग है आपके लिए, लेकिन आप उनके लिए विश हो, आप उनकी ब्लेसिंग हो, आप चाहिए ही चाहिए, जस्टिस देंगे। देखिए हंसी क्यों आ रही थी, कुछ ना कुछ यहाँ मुझे दिख रहा था डियर कि जस्टिस को लेकर ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि आपको जस्टिस देना क्योंकि आप उनकी विश हो, और ये आपसे जुदा होकर रह भी नहीं सकते हैं, पहली बात जुदाई हो नहीं रही है, और प्यार भी बढ़ रहा है, कंट्रोल भी कर रहे हैं, और आप उनकी विश हो ये भी जरूरी, आपको जस्टिस देना है, ठीक है, हो सकता है कि लीगल इश्यू से आपके पार्टनर गुजर सकते हैं, या फिर एडवोकेट हो सकते हैं, या जज हो सकते हैं, कुछ ऐसी इनके मतलब काम करने का तरीका हो, ठीक है, ये लीडरशिप की क्वालिटी हो इस पर्सन में, लेकिन आप उनकी विश हो ये इतना जानो कि आपको ये जस्टिस देंगे, ठीक है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, जजमेंट, देखिए डियर क्या जजमेंट दिखा रहा है इस पर्सन को, यूनिवर्स की तरफ से बार बार उस चीज को दिखाया जा रहा है, उनको पहचान दिलाया जा रहा है कि आप कौन हो, आपका नाम देखना, आपको याद कराना आपके साथ, देखिए अगर मेरे व्यूअर्स आपके पार्टनर इस वक्त इस एनर्जी में कि आपकी आपका ख्याल आप उनको बहुत याद आ रहे हो और यूनिवर्स की प्लानिंग है, जजमेंट चल रहा है, तो ये पर्सन सपने में
आपको सपने में देख रहे हैं या फिर आपके नाम नजर आ रहे हैं, ये यूनिवर्स के तरफ से बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। इमोशंस देखिए, पर्सन इमोशंस को दबा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये पर्सन अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। शायद ये स्टैंड कभी भी किसी से ले सकते हैं, लेकिन आपसे मूव ऑन नहीं करें। इमोशनली आपको बहुत मिस कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ये पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनली आपको याद कर रहे हैं, और सब यूनिवर्स की प्लानिंग चल रही है। जजमेंट कार्ड ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, आपके सपने देख रहे हैं लगातार, आपके नाम देख रहे हैं लगातार। ये ब्रेकअप कॉल है यूनिवर्स के तरफ से आपके पार्टनर को, आपको याद दिलाना। ये स्ट्रांग कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं और आपको फील कर रहे हैं, तो आप उनकी विश हो, आपको जस्टिस देंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग चल रही है। आपके पर्सन को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स के तरफ से, आपकी याद बहुत आ रही है। तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, और ये थी आपके पार्टनर की डीप थिंकिंग, जो आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं कि आपके लिए टाइम निकालना चाहिए, आपको वक्त देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, आपको जस्टिस देना चाहिए। जजमेंट, नाइन ऑफ कप्स और जस्टिस, एकदम से आपके पर्सन आपके लिए बहुत ट्रू लव फील कर रहे हैं, बहुत डीप फील कर रहे हैं। देखिए, इनको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, अब डिवाइन इनको पुश कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ चीज को ये रिलीज करेंगे, चाहे वो कर्मा हो या ब्लॉकेज हो या थर्ड पार्टी हो, कुछ तो रिलीज करेंगे और आपकी तरफ ये बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे डियर, आपकी तरफ कॉल मैसेज आ सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स बयां कर सकते हैं, कितना दिन और कितना देर ये इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। ट्रू फीलिंग्स है, जस्टिस देना चाहते हैं आप उनकी बीच, तो जजमेंट चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ मैसेज उनको मिल रहा है कि आप उनकी कौन हो, नाम दिखना, सपने में आना, ये सब ब्रेकअप कॉल है, इमोशंस को दबा रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता। इस वक्त ये पर्सन काबू नहीं रख पा रहे हैं आपको लेकर, और प्यार ही प्यार आपके लिए बढ़ रहा है इस पर्सन के अंदर, वो बेशुमार प्यार है, लेकिन हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको आपके साथ इन्होंने धोखा दिया, नहीं दिया, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।